विश्व फार्मासिस्ट दिवस जमशेदपुर में मनाया जा रहा है। आइए इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि यह जो आयोजन किनके माध्यम से किया जा रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। इस फील्ड से रिलेटेड जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उसको पहचान करके उसको समाज अच्छे से काम करें, ताकि जो फार्मासिस्ट प्रोफेशन जो है वो सोसाइटी में किसी के लिए वरदान है तो हमारे लिए वरदान साबित हुआ। हमारी आइडेंटिटी में बदलाव, हमें जाना जाना लगा कि ये फार्मासिस्ट से दवाई विक्रेता नहीं, ये दवाई डिस्पेंस करने वाले नहीं, हम दवाई बनाने वाले हैं। हमने इंसुलिन बना के दिखाया, हमने वैक्सीन बना के दिखाया, हम फार्मासिस्ट थे, नहीं तो पहले तो हमें कंपाउंडर ही समझा। आज जो हम देख रहे हैं मंच में विश्व फार्मासिस्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मना रहे हैं हम लोग, ये 2009 से FIPA के द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद हम लोग अपने पूरे विभिन्न प्रांतों से मना रहे हैं। और आज के जो मुख्य अतिथि थे ये डिप्टी डायरेक्टर इन चीफ माननीय सुमन तिवारी जी आए हुए थे, और ड्रग इंस्पेक्टर हमारे यहाँ के आए हुए, और टिन प्लेट के जो डॉक्टर साहब हैं, सर्जन साहब, वो भी आए हुए हैं सर इसमें। आने वाले समय में बहुत बड़ा सेक्टर होता है दवाई का सेक्टर, जैसे इंडिया सबसे अधिक मार्केट USA में जाता है, यूरोप में जाता है, लेकिन दूसरा पहलू अगर देखेंगे तो हम लोग का जो इंडिया है वह इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, क्या कारण है? सर इसका पॉलिसी से अंतर आता है। जैसे किसी स्टेट को हम लोग ने दे दिया है कि वो फ्री जोन हो और हमारे स्टेट को फ्री जोन नहीं दिया तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ जाती है। मगर आपको गर्व होगा इस चीज़ को जानने के लिए कि भारत हमारा 6वां व्यापार के लिए सबसे बड़ा देश बना, निर्यात के लिए व्यापार के लिए बने, लेकिन हमारे रोजगार को आप जैसे भाई, आप जैसे लोगों को और इसमें इन्वॉल्व हो उसमें कितना आगे बढ़ा है रोजगार, जो पहले लिमिटेड था अब सर वो सीक्रेट हो गया है। आज जो हम 1000 आदमी को रोजगार करते थे अब 10000 दे रहे हैं, और हमारा जो काम है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है, एजुकेशन का काम है, तो उसमें पहले हमारे यहाँ गिनती के इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, अब हम सिर्फ झारखंड में 90 कॉलेजेस के साथ मान्यता प्राप्त है। एक कॉलेज में अगर आप टीचर औसतन जाना जाए तो 10 टीचर्स होते हैं, तो आप 90 × 10 10000 का तो आपका ऐसे ही दिख जाता है कि आपके टीचर्स लोग और बाकी तो अलग है। क्या क्या इसमें समस्या आ रही है इसको और अच्छा आगे लेके जाने में स्मूथ सही मानने में? सर पॉलिसी की समस्या, और कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है, चूँकि आपको मालूम है कि हम लोग फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, लेकिन एक फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनना अभी बाकी है। दोनों में से अंतर है सर, क्योंकि निर्यात का जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी जो हमारे यहाँ जो API है वो नहीं है, API ना रहने के चलते हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम नहीं दे पा रहे हैं। सर हमने देखा कि बहुत सा दवाई ड्रग्स डुप्लीकेट आ रही है और आम व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप लोग देख के रैपर देख कर वर्ड देख के तुरंत पकड़ जाते हैं, तो अवेयरनेस के लिए आम व्यक्ति को क्या समझाना चाहते हैं? मैं तो यही बोलता हूँ आम आदमी के लिए, खास करके दवाई जो भी परचेस करे वो रसीद पर परचेस करे, अगर आपके पास रसीद जेन्युइन रसीद मिलती है तो वो एक नंबर है, और अगर आपको वो रसीद देने में डिनाई करता है तो समझिए हो सकता है वो डुप्लीकेट हो या स्पूरियस हो, वो किसी भी तरीका से सरकार द्वारा प्रमाणित ना हो। सर हमने देखा है कि शहर में अपोलो का क्लिनिक फार्मेसी दुकान है जिसमें दवाई मिलता है, क्या उनके स्टाफ पूरी तरह लाइसेंस है? इसके लिए सर औषधि निरीक्षक ये बता सकते हैं सर, लेकिन अगर हम फार्मासिस्ट से पूछेंगे तो सर अभी भी हमारे जमशेदपुर में खास करके 30% जो है बगैर लाइसेंस का चल रहा। और मैं बता दूं हम जैसे फार्मासिस्ट ही अपने लाइसेंस को दे के नहीं रहते हैं, ये मेरी भी गलती है सर, हम पूरा भार हम किसी को नहीं दे सकते हैं। आने वाले समय में इसमें क्या क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, सरकार को किन किन बिंदुओं में ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत कुछ सुधार होगा फार्मासिस्ट को लेकर, जैसे हम लोग का फार्मासिस्ट का जो हम लोग का कम्युनिटी है और सुधार होगा, और फार्मासिस्ट की जो हम लोग का जो ये है मुद्दा है उसको हम लोग और डेवलप करने वाले हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।